शिकवे नहीं परावां नाल मां मैं हुण नहीं हूं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल। क्या बात है। तो सर ये फिर हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है तुसी मजाकरात दे स्टेज ते आए हो सर। इमरान भाई ये क्रेडिट आपको जाता है या मियां सीफ साहब को जाता है जिन्होंने मुझे बुलवाया, आपके प्रोड्यूसर साहब को भी जाता है, बड़ी इज्जत की उन्होंने मुझे। जी जी उस बात पे आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया था जी कि जब मैं इंडिया में था वो आप यकीन मानेंगे मुझे वहाँ के जो मेन चैनल है ना उनके मुल्की लेवल के घंटों के हिसाब से उन्होंने मुझसे टाइम लिया और मैं जाता रहा एक घंटा इस पे एक घंटा इससे घंटा इस पे। लेकिन शायद हमारे मुल्क में हकदार को हक उस वक्त दिया जाता है जब वो दुनिया से चला जाता है। हकम साहब आपको बहुत बहुत वेलकम मज़ाकरात में, और हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास वो हीरे मौजूद हैं जिनकी चमक पूरी दुनिया में ताकि आमत इसी तरह फैली रहेगी इंशाल्लाह। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मैंने आपके वालिद साहब के साथ भी मुख्तलिफ शो में परफॉर्म किया। अरे क्या बात, अल्लाह पाक उनको अग्री के रहमत में जगह दे। क्या बात, जितने बड़े लोगों के घर में बड़े लोग बहुत कम पैदा होते हैं, आप बड़े बाप के बेटे हैं, आप बड़े आदमी बने, अल्लाह आपको और इज्जत दे, ये भी किसी से कम नहीं। क्या बात, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये जो बंदा है ना जो माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड आदमी मिंट लाउंदा है जेड़ा भी काम करदा बहुत अच्छे बहुत ग्रेट। मेरे लिए भी एजाज की बात है कि आप जैसे बेटा कभी आपके बाप के मुंह से ये लफ्ज सुना था आज बहुत देर बाद आपके मुंह से सुना, और मैं यही कहूंगा कि ये अल्लाह का काम, ये मैं अल्लाह का काम समझता हूँ, अल्लाह किसी पे भी कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। याद आ गई उनकी, इसलिए नहीं मुझे आंसू आए कि मुझे कुछ हुआ है, याद आया कि अकरम भाई तो कितना खुश नसीब है कि तीसरी पीढ़ी में आके बैठा और तेरी इज्जत कर रहे हैं लोग। अल्लाह आज तीसरी पीढ़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह आपके बड़े सुनते थे, ये तीसरी पीढ़ी है। मुझे 38 साल हो गए सिंगर बने हुए, माशाल्लाह तो इतना लंबा पीरियड अल्लाह ताला ने, मेरा कोई कमाल नहीं, इन बेटियों इन माओं इन बहनों का प्यार है जिन्होंने सुनिया कि माँ मरी ते रिश्ते ही मुक गए खेड़ सी माँ दे सावा नाल माँ मैं हुण नहीं हूं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल। जब माँ दुनिया से जाती है ना तो सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाले लोग जो होते हैं उनमें भाभियां शामिल होती है। नहीं असी भी तेरिया मावां, कदे तेनों इस घर च कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन फिर जब वो बेटी आती है तो वही भाभी बैठी होती है ऐसा पिछू नहीं लैन रही, रोज आ जाती है तो खामत को आस्ता आस्ता फिर वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो भाभियों का जो प्यार है उसको जेन में रख के मैंने लिखा कि भाभियां कदे नहीं मावा बनिया ओए मावा ही मावा हुंदियां ने मापियां दे घर धियां दे लई कदू कोई थावा हुंदियां ने ओही घर वे ओही वेड़े जिथे खेडदी हुंदी सी जिथे चौधर करदी सी ओही घर वे ओही वेड़े शिकवे नहीं परावां नाल मां मैं हुण नहीं हूं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल। जय बच्चा येगा। थैंक यू।